तो गाइस देखो ये फाटक बंद है, इधर काम चल रहा है। तो आप फंस चुके हैं, अपनी बुआ के घर जा रहे हैं। ये देखो पुलिया देखो आप, ये लगता है तो मैं इधर से मैं निकल जाऊंगा, इतनी फट रही है मेरी। चल इतना धुल गया, आगे से और धो लूंगा। हाँ कोई नहीं भाई, अपनी जिंदगी से ना किलच चुका हूँ मैं इस टाइम, काश कार से ही आ जाता। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ को लेने, और हर बार की तरह जैसे हमारे घर पे पड़ चुकी है इस बार छठ पूजा, तो इस छठ पूजा पे अपनी बुआ को लेने जा रहा हूँ मैं उनके घर। तो आपको मिलवाता हूँ आगे व्लॉग में कि अपनी बुआ से। चलो मिलते हैं अपनी बुआ के घर। तो गाइज अब निकल चुके हैं अपनी बुआ के घर के लिए स्कूटी से, मोहन नगर आने वाले हैं बस। ये मोहन नगर पहुँचने वाले हैं। पहुंच चुके हैं मोहन नगर, मोहन नगर पे गाड़ी राइडिंग चल रही है। दवा पे पुलिस वाले माँ बाप खड़े हैं, पुलिस वाले जी देखते रहिए, फुल मजे लेते रहिए, ऐसे चलता है तुम्हारा भाई। डाउन टू अर्थ हूँ, डाउन टू अर्थ। चलो मिलते हैं आगे, नाम है सस्ता बिलोगर। वाला वन साइडेड रोड है ये। देखो गाइस देखो, खतरों के खिलाड़ी। राम चला गाड़ी, राम राम से भाई। देख रहे हो कितना खतरनाक पुल है ये, वन साइडेड पुल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और हमारा फोन भी गायब हो सकता है। देखो हालत ऐसे बेकार हो जाती है गरीब बंदों की, तो बाइक से चलते हैं। गाइस हो चुका है पुल पार, धीरे धीरे बुआ के घर के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखो गाइस अब हम आ गए हैं लाल कुआं, लाल कुआं पहुंच गए, लाल कुआं पहुंच गए, लाल कुआं। फिर वो रखा था हमें इधर जाना, राइट हैंड में वहाँ जाना है, राइट हैंड में। गाइस अब लाल कुआं से अब अंदर को घुस रहे हैं अपनी बुआ के घर के लिए। बुआ का घर यहाँ से है मात्र मात्र पाँच मिनट का रास्ता है। अंदर चिपियाना करके कोई मतलब एक गांव पड़ता है, वहां पे जाना है। तो ठीक है अपने धंधों से आ चुके हैं इधर तक, तो चल रहे हैं। थोड़ा सा पाँच मिनट का रास्ता रह गया है, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो ये फाटक बंद है, इधर काम चल रहा है। तो अब फंस चुके हैं, अपनी बुआ के घर जा रहे थे तो ये रास्ता बंद है। एक इन अंकल ने बताया है छह महीने से बंद है। आम जनता इतनी परेशान है, बहुत ही ज्यादा है ना जी। देख लो 10 रुपए किराया लग रहा है ना चिपियाने का, वहाँ 20 रुपए लग रहा है। हाय हाय कोई नहीं अंकल जी, जल्दी बनेगा। बाकी यहाँ से एक रास्ता बताया अंकल ने, इधर से एक पुलिया पड़ेगी अंदर को, फिर जाऊंगा। और वो थोड़ा डेंजर था रास्ता, तो बाकी देखो रास्ता कैसा खराब हो गया, लीचड़ा रास्ता। यहाँ से आए थे अब यहाँ से जा रहे, यहाँ से एक पुलिया पड़ेगी, पुलिया से फिर ओमसा इनक्लेव में जाएंगे। बहुत बेकार बना रखा गली, ऐसी अपनी मेहनत करते करते निकल रहे हैं। कार से आ नहीं पाए, स्कूटी से अच्छा लगता है। सो गाइस देखो एक अंकल ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पे पहुंच गए। देखो ये देखो पुलिया देखो आप, ये लगता है तो मैं इधर से मैं निकल जाऊंगा, इतनी फट रही है मेरी। देखो ये पुलिया और एकदम इतनी सी पुलिया है, क्या है बताऊं आपको, इतनी सी ट्रेन जा रही है और इसके ऊपर से जा रही है ट्रेन। बताओ देखो मैं तो पता नहीं, एक साल बाद आया बुआ के घर पे, मेरे को नहीं पता इधर का ऐसा सीन हो गया, बहुत गंदा सीन है। देखो यार माँ कसम मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मन भी नहीं कर रहा जाने का। ये पुलिया है फैंचोद, मैं देख रहा हूँ कोई आएगा तो उसके पीछे पीछे निकल जाऊंगा, ऐसे तो मेरी फट रही है निकलने में। चलो चल यार देखते हैं क्या हुआ, चल चले। हाँ चल। तो गाइस चल के देख रहे हैं एक बार
तुम्हारा भाई रिस्क ले रहा, तुम्हारे लिए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, याद रखना ठीक है। मुश्किल वक्त कमांडो चक, ये ले जा रहे मंदिर से। बस गाइस देखो आगे उनका पीछे देखो सब आ रहे हैं भाई। चलो घर चला भाई, माँ कसम मेरी तो फट रही है इस रास्ते पे बैठ। चलो चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है गाइस। पैर देखो नहीं है, पैर देखो तुम चल दिया किलस गया यार मैं बहुत भाई भाई अपनी जिंदगी से ना किलस चुका हूँ मैं इस टाइम, काश कार से ही आ जाता। अब हम देखते हैं पानी वानी की जुगाड़ करते हैं इसके पैर धोने के लिए, जितनी जल्दी देखना कहाँ मिलेगा पानी वानी, देख कहाँ पर है, यहाँ कौन देगा पानी हमें बुआ का वहाँ जा रहे थे बंद करना है यार, छोड़ ना क्यों आ तो आ रहा है जनता को मेरे लिए। हेलो आंटी, दीदी थोड़ा पानी मिल जाएगा पैर देखो, आंटी को दीदी कह रहा है पानी लाके दिए हमें भाई, पैर धो रहे हैं अब अपने चल इतना धुल गया आगे से और धो लूंगा। हाँ कोई नहीं थैंक यू आंटी जी, धन्यवाद आपका। अब हमें एक जगह और दिखी है पानी धोने की, देखो कीड़ा भाई देखो फिर से पानी आंटी जी ने हमारी बुआ घर आए थे हम अब यहाँ पे सही से पैर धुल गया। बुआ देख ले, देख तेरे पास आने का नतीजा क्या हो रहा है, बुआ को दिखा ब्लॉग में कैसे 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 देख कैसे कैसे आ रहा हूँ आज मैं। कितनी फाटक बंद नहीं होता ना, सही रहता सब, फाटक ही बनता यार, धो रहा है पैर अपने भी। हाँ ये पुलिया भी खुली हुई है, पुलिया ने तो जैसी दरिया कर दी अम्मा जी। हाँ आ गए जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे का। देखो भाई भाई देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आज पैंट भी हो दी इसने अपनी, इसने अपनी पैंट भी हो दी, पैंट भी दिखी मेरी आज। गाड़ी देखो हमारी, ये भी देख लो गाड़ी, जब ठीक हो गया अम्मा जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा पैर तो भाई ने अपने पैर धो लिए तो गाइस देखो जो बता रहा था तुम्हें, घूम के रास्ता आया था मैं फाटक के उस पार पे, अब हम वहाँ पर आ गए, इस पार आ गए इधर से घूम के, ये गली थी जो अभी अम्मा मिली थी हमें उस गली में, और ये रहा वो रास्ता उस पार से आए थे, फिर वो नीचे से पुलिया में से आए थे। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपनी बुआ के घर के लिए, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, तो मिलते हैं आगे अब बुआ के घर पे ठीक है। देख लो गली नंबर 8 में आ चुके हैं गाइस, सामने बुआ का घर, देखते रहो रास्ता, देख रहे हो यूपी के रास्ते ऐसे होते हैं, इस मारे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली अलग है भाई, दिल्ली की बात ही अलग है। ये हमारे बुआ की गाड़ी खड़ी हुई है ब्रेजा, यहाँ पर प्रेस लिखा है ना भैया, प्रेस लिखा हो प्रेस से तो है वो सारा, तो हमारे अपनी बुआ के घर से दिखा दे बुआ के। सो गाइस आ चुके हैं बुआ के घर पे, बहुत मेहनत के बाद तुम आ गए, गेट खोलने कौन आई है देख लो, चोर चोर आई है, चोर ही है गाइस ये, तो अपनी चप्पल उतारते हैं हमें। चलो गाइस, तो गाइस अब पहुंच चुका हूँ बुआ के घर पे,
अंधेरा कितना आ रहा देखो ये रही। नमस्ते जी। ओ भाई मेरे दांत टूटे हुए भाई सब हम आ गए हैं। जय माता दी। सोने के सिक्के तो पता है अभी क्या क्या हुआ रास्ते भर में देख रहे हो। एक चीज देखो इस माता जी के सिक्के में लोग तो बना ही है। 10-10 के सिक्के हैं सारे। क्यों नाले पे गिर गए थे हम नाले में गिर गया था मैं। हाँ नाले में गिर गया तुम्हें नहीं पता सही में इसकी पेंट भीगी कैसे होगी देखो तुम ही सोचो ना। अभी दिखाऊंगा तेरे को तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। वो कहाँ है सब कहाँ है माई से बुआ के लिए ओला ओला कैब बुक करके फिर यहाँ से बुआ को ले चलूंगा अपने घर दिल्ली। तो आप बने रहिए अब तक। सो गाइस अब बुआ को ले जा रहा हूँ अपने घर। मैं तो अपनी स्कूटी चलूंगा उनके लिए कर दी ओला बुक मैंने मेरी ओला उनकी बुआ ठीक है फिर चले घर। तस्वी तस्वी देखो भाई ठीक है तो ठीक है गाइस तो उनके लिए ओला बुक कर दी है। वो अपना ओला से जाएंगे और उनके पीछे पीछे मैं अपना इसे जाऊंगा क्योंकि इधर से ना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है अपने घर का मतलब मात्र 20 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा क्या किराए से आया उससे बढ़िया अपनी स्कूटी से आ जाता हूँ तो स्कूटी से आया और फिर अब बुआ के लिए ओला कैब बुक कर दिया। बुआ अब यहाँ से निकल रही है बैठ के मैं भी निकल रहा हूँ। जब वो बैठ जा तो गाइस ये अपनी बुआ का घर था। ये पूरा घर है अपनी बुआ का। तो गाइस अब बुआ निकल चुके हैं यहाँ से और मैं भी अब निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। मैं अपनी बाइक से ही निकलूंगा। बुआ के लिए कैब बुक कर दी जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो अब मैं ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय धन्यवाद इस एक ब्लॉग धनतेरस वाले ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। तो गाइस अगले ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी और इस ब्लॉग को अपना प्यार दिखाना अच्छा वाला। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर और जरूर करना। तब तक के लिए लव यू।